परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने नाम जाप के साथ अध्ययन और अपने कर्मों को निहारने का मार्ग दिया। गुरु महाराज की वाणी हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि संत महात्मा एक ही मार्ग पुरातन काल से वर्णन करते आए हैं। आज मानव जो भी है, जिस स्थिति में है, जिस प्रकार से है, इसमें उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानी बनकर के व्यर्थ ही दुखी ना होता रहे। गुरु महाराज ने कहा, कर्म भोग भोगे सभी, हम सब अपने किए कर्मों को इस जीवन में भोग रहे हैं, जो कर चुके हैं उसका परिणाम है यह जीवन। अब इस जीवन में कर्म भोग भोगे सभी, राव रंक सुर राज किस रूप में, राजे महाराजे, जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन आदर सम्मान, रंक दीन दरिद्र, धन की अति कमी, सुख सुविधाएं बहुत कम, या सुर राज देवी देवताओं के ओदे तक पहुंचे हुए, उस स्थान तक पहुंचे हुए। कर्म भोग भोगे सभी, जैसा बीज भूमि में बोवे अंकुर फल वैसा ही होवे। ये हमारा जो जीवन है, ये हमारे किए कर्मों का परिणाम है। इस ज्ञान को तो सबको जान लेना चाहिए। यहां तक भगवान का दोष भूल करके भी ना देना। कर्म भोग सो भोगे सभी, राव रंक सुर राज, यहां तक अंधे बहरे पंगु जन दुखिया दीन समाज, कोई अंधा है, नैन वहीन है, किसी को सुनाई नहीं देता, कोई अपंग है, कोई बहुत दुखी है, किए कर्म का भोग सब। अपने किए कर्मों का परिणाम है ये सब, किए कर्म का खेल सब। खेल खिलाड़ी लोग, तो खिलाड़ी है खेल, जैसे कर्म किए हैं वैसा ही जीवन तेरे सम्मुख है। हां, तेरे कर्मों को फल के रूप में परिवर्तन करने वाला वह परमात्मा है, उसको कभी संशय नहीं होता, उसको कभी भ्रम नहीं होता। और जैसा भाव तुम्हारा है वह स्टीक उसको वैसा ही समझता है, और उसके अनुसार ही तुझे सुख सुविधाएं अथवा दुख प्राप्त हो जाते हैं। देने वाला वह, परंतु लेने वाला तू। जैसे कर्म किए वैसा ही तू अपना इस समय जो वर्तमान है तू प्राप्त कर रहा है। अब ये सुख दुख, राव रंक सुर राज, ये प्राप्त कैसे होते हैं? इच्छा शक्ति से। यहां से ही आरंभ हो जाएगा
तेरा अगला मार्ग, तेरी इच्छा। इच्छा शक्ति यह संबंध रखती है तेरा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, वैसे तेरी इच्छा होने लगेगी। सत्संग में आना, महापुरुषों की संगति करना, इस ज्ञान को सुनना, तेरी इच्छा होगी कि मैं सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करूं। यही लोभी दंभी इस प्रकार के अगर गुरु मिल जावे और इस प्रकार की सोबत संगति मिल जावे, दिखावा बहुत मीठा मीठा बोलना परंतु भीतर भेद रखे होना, भ्रम में डालने वाले होंगे। लच्छेदार वाणी को बोलना, इत्यादि। दूसरों की निंदा चुगली करने वाला, उसकी सोबत उसकी संगत अगर तुझे उसमें रुचि होने लगे, परिणाम स्वरूप शरीर बहरा मिल जावे, क्योंकि तुझे अपूर्णता, जिसके अंदर अपूर्णता है, निंदा चुगली वह उसकी कमी है, उसको ही उसकी चर्चा करना, उसको सुनना बोलना, अपूर्णता को अगर शरीर अपूर्ण मिल जावे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कानों का दुरुपयोग किया, अब सुनना बंद हो जावे अर्थात सुनने की शक्ति ही प्राप्त ना होवे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दूसरों के अवगुण और देखने की दृष्टि ना मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। साधक को इस 12वें अध्याय में यही भगवान कह रहे हैं, तेरा अगला जन्म अर्थात आने वाला समय निर्भर करता है तेरी इच्छा पर। अब प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है, कर्म कर रहा है, अब कर्म दूसरों के अवगुण देखने के कर रहा है अथवा अवगुण को छोड़ करके उसके गुणों की ही चर्चा करता है। रोज गार्डन में गए, गुलाब के फूल को निहारो, उसके नीचे कांटे हैं, निस्संदेह हैं, परंतु केवल कांटों को ही निहारोगे तो चिड़चिड़ापन तो स्वभाव में आ ही जावेगा। अब ये इच्छा तुम्हारी है, तूने किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है ये तुझे ज्ञान हो गया। जैसा तेरा भाव होगा, जैसी तेरी इच्छा होगी, वैसे तेरे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे अगला जन्म राव का, रंग का अथवा देवी देवताओं का लोक तेरे अपने हाथ में है। गुरु महाराज की वाणी, गीता को समझ करके आगे बढ़ो। असी गीता पढ़ छड़ी है, लाभ नहीं होगा। डॉक्टर ने तो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक पेपर पर प्रिस्क्राइब कर दिया कि यह दवा आपको लेनी है, इससे आप अच्छे हो जावेंगे। अब रोगी उस पेपर को लेकर के, उस प्रिस्क्राइब जो उसने किया हुआ है उसको पढ़ता चला जावे, बार बार पढ़ता चला जावे, लाभ नहीं होगा। लाभ जैसा डॉक्टर ने वैद्य ने लिखा है वह दवा लेनी होगी, जो परहेज कहे वह करने होंगे। केवल पढ़ लेने से वह लाभ नहीं होगा। मैं तो डॉक्टर के पास गया था, उसने ये लिखा मैं पढ़ रहा हूं, नहीं, जो लिखा है उसको करना है।
रोग मुक्त हो जाओगे। अन्यथा कितनी बार भी पाठ करते चले जाओ, अगर अपने कर्म कलाप में नहीं लेकर आए तो पाठ किया या ना किया कोई लाभ नहीं। क्रियात्मक रूप में हमें लेकर आना है। गीता का 12वां अध्याय या 13वां श्लोक, ये 8 श्लोक आवेंगे आगे चल करके। सारी भक्ति एक तरफ पे, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त मन, मेरा पूजन कर, ये सारा साधन एक तरफ। अब जो श्लोक आने जा रहे हैं, 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, ये 8 श्लोक, सारी गीता एक तरफ, जीवन बदलने के लिए ये 8 श्लोक एक तरफ, सारी गीता का ज्ञान एक तरफ, इन 8 श्लोकों के ऊपर मानव अपने आप को दृढ़व्रति कर लेवे, दृढ़व्रति अपने आप को कि ये मुझे करना है। सुरलोक, देवी देवताओं का लोक प्राप्त हो जाना कोई भी आश्चर्य नहीं होगा, कोई आश्चर्य नहीं। स्वभाव है देवी देवताओं का, सूर्यादेव उसको कोई गाली गलौज करता रहे, कोई बुरा कहता रहे, वह तो नियमित रूप से सबको बराबर अपना प्रकाश दे रहा है, सबको बराबर शक्ति प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जीवन प्रदान कर रहा है वायुदेव सबको। कोई बुरा है, कोई दुराचारी है, कोई साधु महापुरुष है, सबको बराबर स्वभाव है उनका। यह स्वभाव मानव ने ही उस सुरलोक को प्राप्त करके उस पदवी पर जा बैठे। इंद्रदेव की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, इत्यादि। अपना जीवन वैसा बना लिया जावे, परमात्मा वैसा ही जन्म वास्थान दे देवेगा, इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है। साधक को इस पाठ को सुन करके समझना होगा और अपने कर्म कलाप में अवश्य मेव लाना होगा, तभी सत्संग का लाभ है, तभी पाठ सुनने का लाभ है, तभी पाठ करने का लाभ है। क्रियात्मक रूप डॉक्टर द्वारा लिखा हुआ पढ़ लेने से रोग मुक्त नहीं होंगे। गीता में केवल लिखी हुई इस कथन को पढ़ लेने से मुक्ति नहीं होने वाली, मुक्ति होगी अपने कर्मों में, व्यवहार में, जैसा कहा वैसा ले आना। 12वां अध्याय 13वां श्लोक, जो जन अब ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई ना नारी अथवा ना नर, जन जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहत है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है। 13वां श्लोक ये समाप्त हुआ। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, चौदवां श्लोक, सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, योग युक्त नियम से उस परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ है। योग एक आत्मा परमात्मा एक करने में जो लगा हुआ है, सदा संतुष्ट है, आत्म संयमी है,
भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। 14वां श्लोक समाप्त। ये 20 श्लोक तक, ये 8 श्लोक, इसका मनन कर लेना। एक एक शब्द, एक एक अलंकार, एक एक बिंदु, ये तो घोट करके भीतर पी जाना। और इसकी महक अपने कर्मों द्वारा ये सबको पता चले, अपने कर्मों द्वारा, अपना व्यवहार, अपना बोलचाल, अपने संबंध। क्या जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। कहां 8-10 घंटे बैठ करके माला लेकर जाप करने का ये मार्ग यहां नहीं बता रहे भगवान। कहीं नहीं कह रहे कि एक टांग पर खड़ा रह इसलिए तू मुझे प्यारा है, नहीं कह रहे कि तू उपवास रख, अपने आप को भूखा मर, तभी मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा, नहीं कहा। नहीं कहा कि तू कष्टकारी साधन कर तब तू मुझे प्राप्त करेगा, नहीं कहा। क्या कहा? जो तू करता है उसका निरीक्षण कर, तू मुझे प्यारा होगा, मुझको प्राप्त कर लेगा। आप सब स्वयं 12वें अध्याय, ये 13वां और 14वां श्लोक, इसका पाठ करके मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपना निरीक्षण करेंगे। अगर कहीं कमी है तो ये भगवान ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि मेरे तक पहुंचने के लिए, रोगों से छूटने के लिए और आने वाले समय में सर्व सुखों की प्राप्ति, परम शांति के लिए ये मार्ग भगवान ने जो बताया है, इसका निरीक्षण कर लेना अपना और जहां कमी है उसको दूर करने का स्वयं प्रयत्न करना। इस साधना के मार्ग में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, साधक अपना मास्टर आप होता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति माते श्री रामाय नमः।
शक्ति।